इस्लाम में ये है कि लड़का सिर्फ माँ
बाप के नखे कसी मजा रहे औलाद सी मजा रहे वाजिब औलाद के ऊपर है। यानी अगर बेटे और बेटियां हैं इन सब के ऊपर वाजिब है वाले का नफका। अब कहेंगे बेटी कहां से लेगी, बेटी तो दूसरे के घर है। ये भी तरतीब है, यानी जितना जिस भाई के पास है जिस भाई औलाद के पास जितना है उतना देगा। बेटी चूंकि दूसरे के हाथ में है खुद मुख्तार नहीं है, उसका शौकर अगर इजाजत देगा कि तुम्हारे बाप को मसल जरूरत है दवा के हॉस्पिटल के तुम भी दे सकती हो, तो बेटी के ऊपर भी वाजिब हो जाएगा नफका वाला देगा। ये दवा बस औलाद के ऊपर वाजिब एक चीज हो, ये नफका तब वाजिब है जब जरूरतमंद हो। मसलन हम वालिद हैं, हमारा नफका हमारे बेटे के ऊपर तब वाजिब है जब हम इस हालत में हो कि हमें मदद की जरूरत है। इस्लाम कहता है दूसरों के सामने बात न फैलाने वाले बेटे और बेटियां आगे बढ़े और वालिदैन का खर्च अपने जिम्मे ले, वाजिब है। अगर कोई नहीं कहता है कि वालिदैन की जरूरत पूरी नहीं हो रही दवा के लिए वो इधर उधर दोस्तों से अगर आप उनके सामने फैला रहा है कल जैसे नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा वैसे ही इस नफके के बारे में भी पूछा जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। से फरमा दिया
कि मेरे जैसा यजीद जैसे की बयान नहीं कर सकता। आप इसे जुमला समझते होंगे बाबू का, केवल बस कहते हैं मुझे बयान नहीं करना है ना। इमाम ने ये नहीं कहने की कोशिश की है कि मुझे यजीद की बयान नहीं कर रही है ना। इमाम पूरी तारीख समझ रहे हैं, इसे जुमले में पूरी तारीख दे रहे हैं। इमाम अगर इनकार करना होता कि मैं यजीद की बयान नहीं करूंगा, तो इमाम कहते कि मैं यजीद की बयान नहीं कर सकता। ये क्यों कहा कि मेरे जैसा, मेरे जैसा यजीद जैसे की बयान नहीं कर सकता, इसका मतलब समझते हैं
جنتی تو شہزادے کربلا میں لڑے ایک یزید ایک حسین آپس میں ان کا اختلاف رہا ہوگا لڑے انہوں نے ان کو مارا زیادہ پھر قتل کیا بات ختم ہو گئی کیا اتنا کربلا میں چرچا ہو رہا ہے کسی لیے اتنا ماتم ہو رہا ہے کسی لیے اتنا دم بنایا جا رہا ہے 1400 برس کے بعد بھی بھول نہیں پائے تو اس کے اندر ایک خاصیت ہی رکھی اس نے کہ
यहां जो भी आए उसका इम्तिहान लिया जाएगा। ये कैसे? ये जमीन आम जमीन नहीं है, सुनिए, ये खास जमीन है करबला। मांगने जाए, परवाह नहीं, तू ही पूछ कर
शहर से बड़ा दुनिया भी देखने हम अगर इतना पहचानते हैं तो बताइए तो शहर कितना परवरदिगार से दूसर कितना पहचानते हैं और कितना अंदाज रहे जब ये मुसलमान देहात में रहे थे तो कहीं नहीं मिलता पूरी तारीख है कर्बला में कि कहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद Yeah.
हुसैन ने अपने हाथों पे छह महीने के बच्चे को उठा लिया।
Thank you.